हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल और एनए के लिए दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि पार्ट नंबर 4 यहाँ पर आप देखेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको 3 पार्टों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, यदि आपने उनको ना देखा हो दोस्तों उनको भी आप जरूर देख लें। तो यहाँ पर बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। और देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। और एक कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे, ताकि आपको जो 20 में मिलेंगे दोस्तों क्वेश्चनों की जानकारियाँ मिलेंगी, उनको भी आप लगातार नोट करते रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, बायो डीजल उत्पादन में प्रयोग होने वाली विधि कौन सी है, अर्थात आपको बताना है प्रोसेस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायो डीजल। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप बात करें बायो डीजल की, बायो डीजल ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका प्रोडक्शन जो होता है, पहले आप यहाँ पर डीजल को लेते हैं, उसके बाद इसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिफाइन करने के बाद में इसका आप करते हैं एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन आपको बताया था दोस्तों क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं अल्कोहल, अल्कोहल और दोस्तों रिएक्शन करते हैं एस्टर के साथ में। अल्कोहल का आप फॉर्मूला जानते हैं ROH होता है, और प्लस एस्टर का होता है दोस्तों आपका RCOOH। तो ये रिएक्शन करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होता है RR बनता है, अर्थात दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पर दोनों एल्केन एल्किन या फिर जो भी आपने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लिया होगा तो यहाँ पर आपका बनेगा। तो यही दोस्तों आपकी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसके बाद में देखिए और प्रोसेस है यहाँ पर, इसके बाद भी होती है इसमें, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको दोबारा से, इसमें आपका मैथेनॉल और आपका सोडियम मैथेनॉल मिलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में इसकी वॉशिंग होती है, उसके बाद में दोस्तों वॉशिंग होने के बाद में इसकी ड्राइंग होती है, और ड्राइंग होने के बाद में इसकी फिल्टरिंग होती है, और फिल्टरिंग होने के बाद दोस्तों फाइनली क्या बनेगा, बायो डीजल बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो दिया है दोस्तों, आपको पूछा गया है, आपको यहाँ तक पूछा गया था, तो आप बता देंगे ये दोस्तों आपकी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेट्रोल आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है विच टाइप ऑफ द एक्सटिंग्विशर यूज्ड टू पेट्रोलियम फायर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो जो आपको फायर के टाइप बताते हैं दोस्तों हमने मेनली, वो 3 प्रकार के होते हैं, इनमें आपका क्लास ए आता है, और एक आपका क्लास बी आता है, और आपका सी आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका पेट्रोलियम आता है वो आपका फ्लेमेबल है, अर्थात एक प्रकार का दोस्तों लिक्विड फ्यूल है, तो ये आपका दोस्तों सेकेंड क्लास में आता है, अर्थात क्लास बी में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इनका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप पानी का तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम का जो होता है घनत्व डेंसिटी जो होती है वो वाटर की तुलना में दोस्तों बहुत कम होती है, तो आप उसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर तैरेगा और आग लगातार ऊपर को और ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसीलिए दोस्तों आप पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप करते हैं फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का। दोस्तों फोम टाइप क्या होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्क कैसे करते हैं, आप यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों आग को बुझाने के लिए एक छोटी सी ऊपर से परत लगा देते हैं, अर्थात जो भी आपका सब्सटेंस होगा जलने वाला जो होगा दोस्तों, उसके ऊपर से क्या लगा देंगे, एक प्रकार का ब्लैंकेट लगा देंगे, अर्थात दोस्तों एक प्रकार का एक चादर लगा देंगे। तो क्या कर देगी दोस्तों, वो दोस्तों फायर को और O2 को अलग अलग कर देगी, और O2 के अलग होने से दोस्तों आग बुझ जाएगी वहां पे। तो इस प्रकार से वर्किंग प्रोसेस होती है। तो यहां पर आप कह देंगे दोस्तों फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का आप यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व है, आपको बताना है एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल को आपको हमने एक क्वेश्चन बताया था, जो रॉकेट होते हैं या फिर जो आपके प्रोजेक्टाइल होते हैं दोस्तों, उनमें खास तौर पे यहाँ पर यूज़ किया जाता है दोस्तों सौर सेल का, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए दोस्तों सौर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सौर सेल, यदि आपको सोलर सेल की बात करें किस प्रकार से बनता है दोस्तों, इसमें एक प्रकार का यहाँ पर आप सबस्टेंस लेते हैं, जो कि खास तौर पर दोस्तों आपका सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन क्या है दोस्तों, ये आपका सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर अर्थात दोस्तों अर्धचालक होता है। अर्धचालकों में आपको मालूम होगा दोस्तों नॉर्मली ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और यहाँ पर बिल्कुल भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अर्थात ये चालन नहीं करता। लेकिन जब दोस्तों आप ऊर्जा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर देखिए आपने सनलाइट को दिया, तो सनलाइट देते ही माना कोई, यहाँ पर देखिए आपका ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन सबस्टेंस है, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों आपका ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो आपने ऊर्जा दी दोस्तों, तो ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, अर्थात ऊपर वाले स्तर में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, और यहाँ से आपका सेकंड सबस्टेंस के द्वारा ही लिया जाएगा दोस्तों, और ये आगे को बढ़ जाएगा, और वैसे ही आपका लगातार यहाँ से ऊपर उड़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो
तो यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, यहां पर एक प्रकार का टर्मिनल आपका बन जाएगा, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा और यहां पर दोस्तों आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, ये दोस्तों एक प्रकार से बैटरी बन जाती है और यहां पर आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, अर्थात दोस्तों आपको यहां पर डीसी मिलती है। आप जानते हैं बैटरी में आपको किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है, आपको दोस्तों हमेशा ही क्या मिलती है, आपको डीसी करंट मिलती है। तो आप कह देंगे यहां पर आपको डीसी करंट मिलेगी। तो फाइनली आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं दोस्तों, सोलर सेल एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि दोस्तों क्या करती है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है और इसमें आप सिलिकॉन का खास तौर पर यूज करते हैं। तो यहां पर आप क्या प्रयुक्त करेंगे, तो आप कह देंगे दोस्तों सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टांका धातु एक मिश्र धातु है, किसकी है आपको बताना है, अर्थात आपको बताना है दोस्तों सोल्डर मेटल इज एलॉय ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों सोल्डर मेटल अर्थात टांका भी आप कहते हैं इसको, टांका क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जोड़ने का कार्य करता है। आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल की शॉप में, आपने खास तौर पर देखा होगा एक सिल्वरी टाइप का, सफेद टाइप का पतला आयरन वायर होती है दोस्तों, उसे आप यदि हीट देंगे, इसका बहुत ज्यादा गलनांक बहुत ज्यादा कम होता है, उसको आप हीट देंगे तो गल जाएगा तो, और वहां पर ठंडा होने के बाद दोस्तों वो क्या करेगा, वहां पर जोड़ देगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें खास तौर पर क्या होता है, इसमें दोस्तों आपका खास तौर पर टेन होता है, टेन अर्थात दोस्तों आपका एसएन होता है और आपका होता है दोस्तों पीबी अर्थात लेड होता है। और यहाँ पर देखिए दोनों की मात्रा क्या होती है दोस्तों, इसका लगभग आपका 63% होता है और ये आपका लगभग दोस्तों 37% होता है। तो ये आपका यहाँ पर होता है कम्बाइनेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टिन और लेड। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, और भी आपके मिश्र धातु के आधार पर आते हैं, एलॉय के आधार पर और भी पूछे जाते हैं आपको। एक आपका आता है दोस्तों बार बार जो है वो आपको पीतल पूछा जाता है, पीतल अर्थात दोस्तों ब्रास पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कॉपर और जिंक। और वैसे ही आपको एक पूछा जाता है दोस्तों कांसा, कांसे में क्या होता है दोस्तों, कॉपर तो आपका रहेगा, इसके साथ में दोस्तों आपका जिंक होता है कभी कभार, कभी कभार दोस्तों आपका फास्फोरस भी होता है, कभी कभार आपका एमएन मैग्नीज भी होता है, या फिर दोस्तों आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम या फिर आपका सिलिकॉन, इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मेनली आपको यही पूछे जाएंगे तो आप आराम से बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में ऊर्जा का नवीकरण साधन है, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप बात करें रिन्यूएबल अर्थात दोस्तों नवीकरण, नवीकरण जो ऊर्जा का साधन है, आपको बताना इनमें से कौन सा वाला होगा। ये दोस्तों आपका कोल होगा या जियो थर्मल पावर होगा या नेचुरल गैस होगा या यूरेनियम होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा जियो थर्मल पावर। दोस्तों पावर कहें या फिर आप एनर्जी कहें, अर्थात दोस्तों क्या है ये, जियो थर्मल मतलब आपका भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होती है, पहले आप समझिए, जियो का मतलब होता है दोस्तों अर्थ, अर्थ होता है अर्थात पृथ्वी होता है, और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो यहां से आपको क्लियर पता लग गया होगा, जो पृथ्वी की हीट होती है दोस्तों उसी का इस्तेमाल आप एक प्रकार से धारा प्रवाहित करने में करते हैं, अर्थात पावर के तौर पर करते हैं। तो इसी को दोस्तों आप कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। और ये कहां से आती है दोस्तों, ये भूमि के अंदर जो अलग अलग प्रकार के एक प्रकार से मिनरल होते हैं, एक प्रकार से दोस्तों आपके जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो आपके खासतौर पर रेडियो एक्टिव होते हैं दोस्तों, जो लगातार डीके होता रहता है जिनका, तो उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा दोस्तों एक प्रकार से क्या हो जाएगी, यहाँ पर हीट का कार्य करेगी, गर्म कर देगी अंदर से, और उस हीट का इस्तेमाल दोस्तों यदि आप कर देते हैं, यहाँ पर इसके लिए देखिए अलग अलग प्रकार के इंजन होते हैं, यहाँ पर टर्बाइन्स होते हैं, तो उनका यूज करके दोस्तों इसको धारा के रूप में या फिर आपके पावर के रूप में दोस्तों यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला, क्योंकि इसको दोस्तों आप बार बार रेन्यू कर सकते हैं बार बार, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, जियो थर्मल पावर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके बनने से पेशियों में थकान या फिर आप कहें दर्द होता है, अर्थात मसल फैटीज इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसके एक्यूमुलेशन से अर्थात किसके संचय से एक प्रकार से दोस्तों दर्द होता है आपको बताना है मसल में। यदि आप देखें दोस्तों मसल में अर्थात पेशियों में दोस्तों जो दर्द होता है, जो दर्द होता है या फिर दोस्तों थकान होती है, वो क्यों होती है, आप देखते हैं दोस्तों हमें ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है, जब आप ग्लूकोज को लेते हैं, ग्लूकोज का दोस्तों जब पाचन होता है O2 के द्वारा, अर्थात जब हम श्वास को लेते हैं, उसके बाद दोस्तों O2 के द्वारा इसका डिकम्पोजिशन होता है दोस्तों, ये ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, टूटता है, कहाँ पर टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि आपका विद्युत घर कहा जाता है या फिर आपका ऊर्जा गृह कहा जाता है, वहाँ पर टूटेगा दोस्तों, और ऊर्जा संचित हो जाती है ATP के फॉर्म में, ऊर्जा मिलेगी आपको और दोस्तों यहाँ पर जल को निकाल देगा, H2O निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यदि आपका O2 बहुत लिमिटेड हो, लिमिटेड हो या फिर दोस्तों आप कहें O2 बहुत नहीं के बराबर हो, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज क्या करता है,
ऊर्जा के रूप में तो आपको डिकम्पोज करना पड़ेगा, ऊर्जा तो आपको चाहिए। जब आप लगातार टेंशन में होते हैं या फिर जब आप लगातार मान लीजिए आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं दोस्तों, वहां पर क्या होगा, मसल को प्रॉपर O2 नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पायरोवेट होता है, पायरोवेट होता है दोस्तों, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये यहाँ पर एक प्रकार से लैक्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पायरोवेट दोस्तों लैक्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों एक प्रकार से प्रोटोन निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको दोबारा से यहाँ पर ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है और ऊर्जा दोस्तों प्राप्त होती है ATP के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा दोस्तों, जो पायरोवेट था दोस्तों वो लैक्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो लैक्टेट है दोस्तों, यही क्या बनाता है, लैक्टिक लैक्टिक एसिड बनाता है और इससे ही दोस्तों क्या होता है, पेशियों में दर्द होने लगता है, वहां पर थकान आपको महसूस होती है। तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे दोस्तों, मेनली लैक्टिक एसिड के बनने से होता है और एक किस प्रकार से बनता है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया। इसीलिए दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए जब भी आप बैठते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो वहां पर प्रॉपर O2 का प्रोडक्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोना घुल जाता है, आपको बताना है गोल्ड डिजोल्व इन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो गोल्ड होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वा रेजिया के साथ में, एक्वा रेजिया अर्थात इसका यदि आप फॉर्मूला देखें तो ये आपका होता है दोस्तों HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल और दोस्तों HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों का दोस्तों अनुपात होता है 1:3 का, अर्थात 3 भाग आप मिलाएंगे HCl को और 1 भाग आप जब मिलाएंगे HNO3 को, तो यहाँ पर बनता है दोस्तों एक्वा रेजिया। इसको आप दोस्तों अम्लराज भी बोलते हैं, अम्लराज लिख के भी आएगा तो उसे भी आप दोस्तों टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मिलाएंगे इस अनुपात में तो आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, HNO3 और प्लस आप कर देंगे 3HCl। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके साथ में यदि आप AU को मिलाते हैं अर्थात सोने को मिलाते हैं तो ये क्या करता है, एक फॉर्म देता है AuCl4 की। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर अलग हो जाता है और वहाँ पर सोना घुल जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए दोस्तों, जब आप आभूषण को देते हैं वहाँ पर आपको ये ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक बार एजिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पनडुब्बियां पानी के अंदर चलती हैं, उनके पास इंजन डैडेस से चलता है, आपको बताना है। सबमरीन्स मूव अंडर वाटर, दे हैव इंजन दैट रन ऑन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपकी सबमरीन होती है दोस्तों अर्थात जो पनडुब्बियां होती हैं वो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसका इस्तेमाल करती हैं, फ्यूल के तौर पर। ये दोस्तों आपका खास तौर पर डीजल डीजल इंजन होता है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर डीजल का इस्तेमाल होगा ऊर्जा के लिए दोस्तों, ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए डीजल का इस्तेमाल खास तौर पर होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों डीजल का, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला सामान्य शीतलक है, अर्थात आपको बताना है द कॉमन रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं दोस्तों, इनमें प्रशीतक के तौर पर क्या होता है मेनली आपको बताना है, जो ठंडा करने वाला होता है ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है फ्रेओन। फ्रेओन ये क्या करता है दोस्तों, ये दोस्तों आपका फ्रेओन होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, विषैली विषैली गैस होती है दोस्तों, टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक होती है क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि ये आपका एक एग्जांपल है क्लोरो फ्लोरोकार्बन का, और क्लोरो फ्लोरोकार्बन क्या करती है दोस्तों, ओजोन परत को लगातार हानि पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो फ्रेओन बार बार एग्जाम्पल भी आता है कि बताइए कौन सी वाली गैस विषैली होती है ओजोन के लिए, तो आप बता देंगे ये आपकी क्लोरो फ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं और इनमें दोस्तों आपका एक एग्जाम्पल है फ्रेओन भी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको फ्रेओन दिया है तो फ्रेओन में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपको, इप्सम साल्ट का प्रयोग होता है, अर्थात आपको बताना है इप्सम साल्ट इज यूज्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका इप्सम साल्ट होता है, पहले उसका आपको फॉर्मूला बता होना चाहिए। इप्सम साल्ट इसका दोस्तों होता है आपका MgSO4 अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपका खास तौर पर होता है दोस्तों एक्स के लिए, अर्थात दोस्तों जहाँ पर आपका दर्द होता है या फिर सूजन होती है वहाँ पर दोस्तों इसका खास तौर पर इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपका एक प्रकार से होता है परगेटिव के तौर पर दोस्तों, परगेटिव के तौर पर अर्थात दोस्तों रेचक के रोग में दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आप, और इसका दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में भी खास तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपका दिया है आपको परगेटिव के तौर पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टीयर गैस यूज बाई द पुलिस टू डिस्पर्स द मोब कंटेंस। यहाँ पर जो पुलिस के द्वारा आंसू गैस जो होती है दोस्तों अर्थात टीयर गैस, उसका इस्तेमाल होता है पुलिस के द्वारा कहाँ पर होता है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, अर्थात मॉब कंटेंस के लिए दोस्तों। तो आपको दिया है दोस्तों यहाँ पर, ये क्या कंटेन करती है, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन या अमोनिया या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका क्लोरीन को कंटेन करती है दोस्तों। यदि आप इसका फॉर्मूला देखें, ये खासतौर पर जो आपकी इस्तेमाल होती है वो है दोस्तों आपकी CCl3 और NO2, अर्थात इसको आप बोलते हैं दोस्तों, यदि आप नाम पूछा जाए
तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर कहलाती है क्लोरोपिक्रेन, अर्थात क्लोरोपिक्रेन आप कह देंगी। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर खास तौर पे टीयर गैस के तौर पर होता है, और भी दोस्तों यहाँ पर गैसें होती हैं लेकिन मेनली आपके यहाँ पर ये है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका एक नाम और है, लैग्रोमेटिक एजेंट कहलाता है। लैग्रोमेटिक मतलब होता है दोस्तों आंसू, तो आंसुओं को प्रोड्यूस करने वाला एक प्रकार से आप एजेंट कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्क कैसे करता है, जो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड होती है दोस्तों, जो कि एक प्रकार से आंसू को प्रोड्यूस करती है, अर्थात जो टीयर को प्रोड्यूस करती है, उनको दोस्तों क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आंसू को निकालने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है लैक्रोमेटिक एजेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी वाला हो जाएगा, ये मेनली आपका क्लोरीन को कंटेन करता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।